मस्जिद रियाजुल जन्ना व मदरसा खदीजातुल कुबरा लिल बनात रज़ी अल्लाह तआला हाद अंदर सनखा वाला चेक नंबर 8 नज़द सरदार मोहम्मद यासिन नाजम वाला मोड़ इत्थे माशाल्लाह मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मेरे बरादर अकबर भाई हबीब इस्लामिक सेंटर वाले माशाल्लाह आए ने, कहंदे हाफज़ साहब हाफज़ जी शान मुजाहिद साहब असी तोड़ा बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लोगों तक ये दीन दियां बातां जो तुसी बयान करनियां ने असी पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। तो अल्लाह तला इन्हां दा प्यार मुहब्बत अल्लाह कबूल फरमाए। तो मैं हूँ अपना बयान शुरू करना, इन्हां दा आर्डर ते लोहे दा गार्डर पूरा कर देना। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत नित नित इस जोगी ने आना नहीं, तेरी गली विच नादम वजाना नहीं, तू सा सुनना ते असा सुनाना नहीं, सदा सुनदा जाईं सदा सुनदा जाईं, गदा दे तुम साई वहदत नाद मजा दे, तुम दिल कुदसियां दे तड़पा दे, तुम उथ किसे दाम चलना चारा नहीं, मियां अमला बाज किसे दा छुटकारा नहीं, इत्थे फेरा फिर दोबारा नहीं, दिला समझ मेरे समझाने नू। अल्लाह तआला दी हमदो सना तो बाद बेशमार अनगिनत दरूदो सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम कायनात हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात ग्रामी ते दोस्तों बुज़ुर्गों नौजवानों अल्लाह को दुआएं अल्लाह दे घर विच आना मुहब्बत प्यार नाल बैठना अल्लाह दा कुरान सुनना अल्लाह अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह सुन सुना के मेरे समेत तुसां सबना दे समेत साथ अमल पैरा होने दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों मैं चंद मिनटां दे अंदर अपनी गुफ्तगू नूं समेट लवांगा। अल्लाहु अकबर। तुसां अहबाब दे सामने एक आयत करीमा तलावत कीती है, तुसी मेरे मौजू नूं समझ गया होवोंदे मैं की बयान करना चाहना। आज दे बयान दे अंदर मुख्तसर टाइम दे अंदर मौजू ते उनवान होएगा मौत। मौत आ ही जानी है, मगर मौत आवन तो पहले पहले की करना चाहिए, अल्लाह को की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह वीरा गल सुन ले, मैं तेनू दसना चाहना। अल्लाह दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर इंसान ने मौत दा ज़ायका चाक के रहना। कोई ऐसा इंसान नहीं जेड़ा कवे मैनू मौत नहीं आमनी। अगर एक बंदा शीशे दा महल बनवा लवे कवे मैं उंदे विच छुप जावां मैनू मौत नहीं आमनी, मगर मौत ओथे भी आ के रहनी। अगर एक बंदा तहखाना बनवा लवे उंदे विच कवे मैं छुप जावां मौत ओथे भी आ के रहनी। मेरे वीर कोई ऐसा इंसान नहीं जेड़ा कवे मैनू मौत नहीं आ सकती, मगर मौत आ करके रहनी है।
क्योंकि अल्लाह का कुरान ऐलान फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक फरमांदे ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत, हर इंसान ने मौत दा ज़ायका चख के रहना है। कोई ऐसा इंसान नहीं जड़ा कमी मैनू मौत नहीं आनी। ओए मेरे वीराम मेरे वीरा गल सुन लैम, अल्लाहु अकबर लाम, मौत आकर के रहनी है मगर अल्लाह को दुआ करनी चाहिदी है। अल्लाह सोनिया मौत आके रहनी है, अल्लाह सोनिया चंगी मौत आता फरमाए। आ वीरा गल सुन लैम, सही बुखारी शरीफ अंदर हदीस मौजूद है, मेरे तुंडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंज करके उमरा करन वास्ते गए होए ने, नाल सहाबा करम मौजूद ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक यार, हजरत नबी अलैहि सलाम दा एक यार, एक सहाबी, अल्लाहु अकबर अल्लाह, उठते बैठ के बैतुल्ला दा तवाफ कर रहा, तवाफ करदिया करदिया जमीन ते गिरिया ते अल्लाह नू प्यारा हो गया है। ओए किड्डी चंगी मौत है ना, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अंज करके जाके सहाबा अल्लाह दे नबी नू कहंदे ने, ऐ सोने महबूब जी, ऐ सोने आका जी, साडा साथी ते तोड़ा सहाबी बैतुल्ला दा तवाफ कर रहे सी, उठते तवाफ करदिया करदिया जमीन ते गिरियम ते अल्लाह नू प्यारा हो गया। अल्लाह दे नबी जी होन की करिए, सोने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ओए मेरे सहाबा जिस तुसी इंज करो नाम तुसी इंज करो, उनू जाके मेरे सहाबी नूम गुसल दे के कफन पहना के अंज करके दफन कर दो। ऐसी हालत में अल्लाह ने पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने। फिर नबी ने सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम शरीफ अंदर हदीस मौजूद है, हजरत जाबर रजी अल्लाह तआला नो फरमाते ने, सोने महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, जिस हालत विच ओए मेरे सहाबियों, ओए मेरे सहाबा, जिस हालत विच बंदे नूं मौत आवेगी, जिस हालत विच मौत आवेगी ना, इस हालत में क्यामत वाले दिन बंदा उठाया जाएगा ना। मेरे वीर किड्डी चंगी मौत आई है, अल्लाहु अकबर अल्लाह, ऐसा भी बैतुल्ला दा तवाफ कर रहा सी ते ऊंट तो गिरे ते तवाफ करदिया मौत आई, अल्लाहु अकबर, कल क्यामत वाले दिन तवाफ करदे ही उठेगा। इस वजह तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे साहबा, कि जे साल च बंदा फौत होएगा क्यामत वाले दिन उस ही हालत में उठाया जाएगा। अल्लाहु अकबर, मेरे वीर ए मौत आ करके रहनी, अल्लाहु अकबर, मेरे वीर गल सुन लै, मौत आ करके रहनी है। ओए वीरम ए ना होए असी जना कर रहे हो ये मौत आवे, अल्लाहु अकबर अल्लाह, ए ना होवे असी शराब पी रहे हो ये ते मौत आवे, ए ना होवे के असीम अल्लाहु अकबर किसी की जमीन ते कब्जा कर रहे हो ये ते मौत आए ना, फिर की बनेगा। ओए मेरे मेरा गल सुन लै, जे अगर तेनू मौत नशा करदिया मौत आ गई ते की बनेगा, ओए किसे दे जुलम ज्याती करदिया मौत आ गई की बनेगा, ओए वीरम किसे यतीमा दा माल खांदिया मौत आ गई ते की बनेगा ना। ओए वीरम गल सुन लै ना, अल्लाह कोलों दुआ करे
ਮਰਿਆਂ ਕਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੌਤ ਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਓਏ ਵੀਰੋ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੌਤ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੌਤ ਲਨਮਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤਲਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਓਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਮੌਤ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੌਤ ਆ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇਕ ਮੌਤ ਤਾ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਤਾ ਫਰਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਲਾਨ ਹੋਣੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤਾ ਫਰਮਾਈ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਲਾਨ ਹੋਣ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਮੌਤ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਲਾਨ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਓਏ ਵੀਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਓਏ ਜੰਨਤ ਉਲ ਬਕੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਓਏ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਓਏ ਵੀਰਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਓਧਰੋਂ ਮੌਤ ਆਏ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਏ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਮੌਤ ਓ ਵੀਰਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਕਲਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਆਖਿਰੂ ਕਲਾਮੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾ ਦਾਖਲ ਅਲ ਜੰਨਾ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇੱਲੱਲਾ ਦਾਖਲ ਅਲ ਜੰਨਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਓਏ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਮੌਤ ਆਈ ਜਾਣੀ ਅੱਲਾ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਆਵੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੇਂਦਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤਫੀਕ ਦਿੰਦਾ ਰਵੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾ ਲੈ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀਰਾ ਮੌਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਨਲਕਾ ਲਗਵਾ ਜਾਂ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੌਤ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸਰ ਕਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਵਣ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਕਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ
और वीर इस तरह जिंदगी नहीं बसर करनी, चंगी अल्लाह को तमन्ना करनी, अल्लाह नेक मौत अता फरमाए। तो वीरो ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह सोनिया लोगों को खुशियाँ देन की तफीक अता फरमाए, परेशान करन तो अल्लाह सानू बचा, लोगों का फायदा करन की तफीक अता फरमाए, लोगों का नुकसान करन की तफीक ना देवी। वीर अज किसी की जमीन पर कब्जा होएगा, कब्जा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा दुनिया अंदर किसी माड़े बंदे की किसी गिठ एक बलिश्त ये जगह कब्जा करो पो जाता, कल क्यामत वाले दिन सत्तां जमीना का एक तौक बंदे दे पहनाया जाए इन्दे वजन होएगा। अल्लाह अकबर, जमीना का वीर आए इत्थे मालो दौलत इत्थे ही रह जानी, मेरी तेरिया आकड़ा इत्थे ही रह जानी। वीर इस वजह तो अल्लाह को दुआए जो कुछ बयान किया लामल पर होने की तवीक अता फरमाए, अल्लाह सानू नेक मौत अता फरमाए। अल्लाह जो जा रहे हो ये अल्लाह जबान ते कलमा जा रही हो सोने महबूब अलैहि सलाम दा तस्वीर होवे फिर मौत आए, अल्लाह नू इंज कहो आखिर मैं तुहानू भाई हबीब इस्लामिक सेंटर वाले इन्हां दा आर्डर मैं पूरा कर देना। कहंदे ने हाफिज़ साहब अल्लाह चंगा हाँ या मंदा हाँ इशार भी सानू सुना दो, तो माशाल्लाह इन्हां दा मैं आर्डर पूरा कर देना। और वीर मौत आ जानी, अल्लाह अकबर, दुनिया अंदर जे किसी दे जुल्म ज़्यादती कीता उन्दे कोल माफ़ी मांग लै, ते अल्लाह नू इंज करके कह हाँ अल्लाह चंगा हाँ या मंदा हाँ, अल्लाह चंगा हाँ या मंदा हाँ, आखर ते तेरा बंदा हाँ, साड़ी दिली मुराद अता कर दे, साड़ी एक एक माफ को ता कर दे, तुसा आखिया सी गैर तो ना मंगी, मेरे कोलों भी मंगदा ना संगी, जे तू ना मंगे इंसान नहीं, मैं ना देवा रहमान नहीं। आ कोई सवाल होवे अल्लाह नू कहो, कोई परेशानी आ जाए दुख आ जाए अल्लाह दा कना कुंडा खड़काओ अल्लाह को मंगो। तो अज दा बयान ए अल्लाह अकबर भाई हबीब इस्लामिक सेंटर वाले इन्हां दे चैनल तो मिल सकदा है। तो मेरे साथ जिथों जिथों तक मेरा ये बयान ए मेरे अल्लाह अकबर ए आवाज़ तुहाडे तक पहुँचे, ये बयान ए कुरान हदीस दीआं बातां कीतीआं तुहाडे तक पहुँचन, तो ये अज दा प्रोग्राम दा एक ना रिकॉर्डिंग ए भाई हबीब इस्लामिक सेंटर वाले इनू सबसक्राइब करो, इंशाल्लाह तमाम उलमाए कराम दे इत्थों बयानात मिलनगे, तो तुहानू अल्लाह दुनिया आखरत च बुलाइयां ता फरमाएगा, बड़ा फायदा होएगा।